ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। विंडोज एक्सपी के इस अध्याय में हम सीखेंगे कैलकुलेटर का उपयोग, डेट और टाइम प्रॉपर्टीज के बारे में, साथ ही सीखेंगे किसी फाइल, फोल्डर आदि का बैकअप लेना, बैकअप को रिस्टोर करना और डिस्क क्लीनअप। आइए अब सीखते हैं कैलकुलेटर का उपयोग। यदि आपको कंप्यूटर पर काम करते समय कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है तो वो सुविधा आपके कंप्यूटर में भी होती है। उसके लिए स्टार्ट पर जाएं, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं, एक्सेसरीज में जाएं और यहाँ से कैलकुलेटर को आप चूज़ कर लें। ये आपके सामने कैलकुलेटर की विंडो आ गई। अब जिस तरह से आप साधारण कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं उसी तरह से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको भाग देना है या गुणा करना है, घटाना है, जोड़ना है, कोई भी ऑप्शन इसमें से आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। मान लीजिए हमको 70 में गुणा करना है 4 का। ये देखिए यहाँ पर आ गया। आइए अब सीखते हैं डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना। यहाँ टास्क बार पर सीधे हाथ की तरफ टाइम दिया होता है। आप अगर अपना पॉइंटर वहां पर रखेंगे तो देखेंगे मंडे सितंबर 26, 2011। यहाँ पर आपने देखा डे है, डेट है और ईयर भी डला हुआ है। अब मान लीजिए इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं ये सीखते हैं। यहाँ पर आप टाइम पर पॉइंटर रख करके उसे डबल क्लिक कीजिए। डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। इसमें अब महीने में या फिर ईयर में या फिर तारीख में या समय में कोई भी चेंज आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने देखा था तारीख है 26 सितंबर 2011। मान लीजिए हम इसको 1 जनवरी 2012 करना चाहते हैं। इसके लिए मंथ वाला जो ऑप्शन है उसमें उस एरो पर जाएं। यहाँ पर सारे मंथ हैं, आप जाकर के जनवरी चुन लें। तारीख हमको बदलना है, हम 1 चाहते हैं, 1 पर जाकर उसको सेलेक्ट कर लें। और हमें हमारा ईयर भी बदलना है, ऊपर की तरफ वाला जो एरो है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं और नीचे वाले एरो से आप नीचे आ सकते हैं। हमको करना है 2012, हमने ईयर सेट कर लिया। और अब यहाँ पर आ जाएं तो आपकी जो क्लॉक है, आपका जो समय है उसको आप बदल सकते हैं। हम मान लीजिए समय सेट करना चाहते हैं 2 का। इस पर आकर पहले आप इन एरोज़ की मदद से इसको सेट कर लें। हमने 2 कर लिया और अब जो है हम एग्जैक्ट 2 का टाइम चाहते हैं। उसमें हमको मिनट्स नहीं चाहिए अगर, तो आप उसको कम कर सकते हैं। और अगर आप कोई मिनट्स चाहते हैं तो जैसा चाहें आप उसको वैसा कर सकते हैं। मान लीजिए हम 2 का समय चाहते थे, हमने इसको 0 कर दिया। और उसी तरह से सेकेंड्स को भी आप बदल करके 0 कर सकते हैं। 2 का टाइम हमने सेट कर लिया है। अब हम अगली चीज़ पर आते हैं। यहाँ पर PM लिखा हुआ है। AM और PM जो है वो यह दर्शाने के लिए होता है कि समय सुबह का है या दोपहर का या रात का। PM वाला जो समय होता है यह दोपहर के 12 से लेकर के रात के 12 तक के लिए होता है। और अगर आप यहाँ AM सेट करते हैं तो वो रहेगा रात के 12 से लेकर के दिन के 12 तक के लिए। इसको सेट करने के लिए ये यहाँ पर आपने क्लिक किया, AM हो गया। इसको क्लिक करके आप AM या PM जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। मान लीजिए हमको AM यहाँ पर सेट करना है, हमने AM सेट कर दिया और अब आप नीचे आकर के ओके कर दीजिए। ये देखिए अब आप टाइम पर जाएंगे। टाइम पर जाकर के देखिए आपका समय तारीख सब बदल गई है। संडे जनवरी 1, 2012 और समय है 2 का और ये है रात के 2 का समय। आइए अब सीखते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर का बैकअप लेना। जब हम किसी सिस्टम में कार्य कर रहे होते हैं तो हमें
उसमें सभी इम्पोर्टेंट फाइल्स और फोल्डर्स इत्यादि का बैकअप ले लेना चाहिए, क्योंकि यदि सिस्टम में वायरस आदि के कारण कोई समस्या आती है तो इससे हमारा डेटा हमारे पास सुरक्षित रहता है। अगर हमें किसी दूसरे सिस्टम पर डेटा ले जाना हो या रखना हो तो भी हम बैकअप ले सकते हैं। बैकअप कैसे लिया जाए, आइए सीखते हैं। सबसे पहले जहां आपने फाइल सेव करके रखी है आप उस लोकेशन पर जाएं। मान लीजिए माय कंप्यूटर में हमारी फाइल सेव है, माय कंप्यूटर हमने खोला, जिस फाइल का हम बैकअप लेना चाहते हैं वो डी ड्राइव में सेव है। डी ड्राइव हमने खोला, इसमें फॉर हिंदी नाम से जो फाइल है उसको हम लेना चाहते हैं, उसका बैकअप लेना चाहते हैं। उसके लिए पॉइंटर को आप पहले इस फाइल पर रखें, राइट क्लिक करें और इस फाइल को कॉपी कर लें। कॉपी पर गए, क्लिक किया, अब हमें इस डेटा को वहाँ ले जाना है या इस फाइल को वहाँ ले जाना है जहाँ हम इसे सेव करना चाहते हैं। उसके लिए मान लीजिए कि हम कंप्यूटर की ही किसी दूसरी ड्राइव में इसको सेव करना चाहते हैं, तो वापस आप माय कंप्यूटर पर आ जाइए। हम इसे ई ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, ई ड्राइव खोलें और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दें। ये देखिए फॉर हिंदी फाइल जो हमारी डी ड्राइव में थी वो अब ई ड्राइव में भी आ गई है। ये इस तरह से हमने हमारी फाइल को अपने सिस्टम में एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में सेव करना सीख लिया, उसका बैकअप लेना सीख लिया। अब मान लीजिए आप इस सिस्टम से बाहर इस बैकअप को लेना चाहते हैं, सिस्टम से बाहर उसको ले जाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं पेन ड्राइव या सीडी की मदद से। आइए सीखते हैं कि पेन ड्राइव में बैकअप किस तरह से लिया जाए। इसके लिए आप वापस माय कंप्यूटर पर आ जाएं और अब आप पेन ड्राइव को अपने सीपीयू में लगा दें। पेन ड्राइव लगाते से ही डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज वाला जो पार्ट है उसमें यहाँ आप देख सकते हैं वो रिमूवेबल डिस्क नाम से आपको यहाँ नजर आएगी, क्योंकि पेन ड्राइव जो है वो रिमूवेबल डिस्क होती है, तो वो आपको यहाँ नजर आ जाएगी। आप रिमूवेबल डिस्क पर जाकर के डबल क्लिक करके भी उसके खोल सकते हैं। ये आपकी पेन ड्राइव खुल गई है और हमने जो फाइल हमें कॉपी करनी है वो कॉपी करके रखी हुई है, उसे बस यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। ये देखिए फॉर हिंदी नाम की जो फाइल थी वो हमारी पेन ड्राइव में आकर के सेव हो गई है। अब हमारी ये फाइल पेन ड्राइव में सेव हो गई है, हमने बैकअप ले लिया है। अब आप पेन ड्राइव को निकालना चाह रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, उसके पहले यहाँ से आप इस विंडो को बंद कर दें। अभी हमने सीखा था फाइल्स और फोल्डर्स का बैकअप लेना और आइए अब सीखते हैं बैकअप को रिस्टोर करना। मान लीजिए किसी कारण से जहां पर हमारी फाइल सेव थी वो करप्ट हो गई है या वहां से डिलीट हो गई है। माय कंप्यूटर में जैसा हमने बताया था डी ड्राइव में हमारी फॉर हिंदी नाम की फाइल सेव थी, पर जैसा आप यहां से देख रहे हैं वो यहां से डिलीट हो गई है और इसी के साथ वो हमारी ई ड्राइव में जहां हमने उसका बैकअप लिया था वहां से भी डिलीट हो गई है। ऐसे में हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं हमारी पेन ड्राइव से। उसके लिए वापस आप माय कंप्यूटर पर जाएं, पेन ड्राइव हमने लगा दी है जिसमें कि हमने बैकअप लिया था। अब जाकर के आप पेन ड्राइव को खोलें, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर हिंदी नाम की फाइल आपकी सेव्ड है, इसे आप कॉपी करें और जहाँ आप इसे ले जाकर के पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर दें। हम इसे वापस अपनी डी ड्राइव में जहाँ वो पहले थी वहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो डी ड्राइव आप खोलें और यहाँ पर ले जाकर के इसे रिस्टोर कर लें। इस तरह से हमने सिस्टम में से जो बैकअप लिया था उसको वापस सिस्टम में रिस्टोर कर दिया। आइए अब हम सीखते हैं डिस्क क्लीनअप का उपयोग। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे डिस्क में काफ़ी सारी ऐसी फाइल्स आ गई हों जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो कई फाइल्स अपने आप लोड हो जाती हैं, कई टेम्पररी फाइल्स बन जाती हैं, ऐसे में ये हमारे हार्ड डिस्क की स्पेस को भरती जाती हैं, उसकी मेमोरी जो है वो कम हो जाती है, हमारा सिस्टम धीमे काम करने लगता है। इसलिए समय समय पर हमको डिस्क क्लीनअप करना ज़रूरी होता है। आइए सीखते हैं कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हम जाएं स्टार्ट बटन पर क्लिक करें,
अब हम जाएं ऑल प्रोग्राम्स में। ये हमारा मेन्यू खुल गया है, इसमें एक्सेसरीज पर जाएं, साइड मेन्यू खुल जाएगा। साइड मेन्यू में आपको मिलेगा सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स में फर्दर एक साइड मेन्यू आ जाएगी, इसमें आप जाएंगे आगे तो ये आपको मिल गया डिस्क क्लीनअप। इस पर आप क्लिक करें और अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, जिस ड्राइव को आप क्लीनअप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ इस एरो पर आप जाएं, क्लिक करें। अब जो भी ड्राइव्स आपके सिस्टम है में हैं वो यहाँ आ गई, और अब इसमें से जिसको भी क्लीन करना है उसको आप क्लिक कर दें। हमने विंडोज़ सी को क्लिक किया और अब आप क्लिक कर दें ओके। ये प्रोसेसिंग हो रही है और अब यहाँ पर लिस्ट आ गई उन सभी फाइल्स की जो इसमें हैं और जो डिलीट करने लायक हैं, वो फाइल्स जो कि आपके सिस्टम को लगता है कि फालतू हैं और जिनको डिलीट किया जा सकता है। यूं तो इसमें सारी जो फाइल्स हैं वो सिलेक्टेड होती हैं, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं रिसाइकल बीन सिलेक्टेड नहीं है। अगर आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा ही रहने दें, और अगर डिलीट करना है तो एक बार फिर क्लिक कर दें, ये भी सिलेक्ट हो गई। इसी तरह से अगर ऐसी कोई फाइल है जो सिलेक्टेड है पर आप उसको नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो एक बार वहाँ पर क्लिक कर दें तो ये सिलेक्शन से बाहर आ गई। इसके बाद आप जाएं ओके पर। अब आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और इतनी मेमोरी जो है वो बढ़ जाएगी और आपका सिस्टम वापस नॉर्मल स्पीड पर आ जाएगा। जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स सामने आता है जो एक बार फिर आपसे पूछता है कि क्या आप श्योर हैं, पक्का है आपको कि आपको ये डिस्क क्लीन अप करना है। अगर आपका मन बदल गया हो तो आप नो कर सकते हैं, और अगर आपको करना ही है तो आप यस पर क्लिक कर दें, और यस पर क्लिक करते ही ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। इस तरह से डिस्क क्लीन हो जाएगी। विंडोज़ एक्सपी के इस अध्याय में हमने सीखा कैलकुलेटर का उपयोग, डेट और टाइम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, साथ ही सीखा किसी फाइल, फोल्डर आदि का बैकअप लेना